हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गर्भ गर्भव्यवस्था भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज जो मैं सिम्टम आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी महिलाओं के केस में ये सिम्टम्स सटीक हुए हैं बिना अल्ट्रासाउंड के हम जानेंगे कि आपके सिम्टम बेबी बॉय को डेडिकेट करते हैं या बेबी गर्ल को डेडिकेट करते हैं देखिए साल के दो ग्रहण लग चुके हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसी महीने यानी कि अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है दो ग्रहण पड़ने वाले हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कितने दिन बचे हैं तो बता दूं सूर्य ग्रहण में दस दिन बचे हैं आज से तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ग्रहण लगने से पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगी और क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी आपको मैं बता दूंगी क्योंकि गर्भावस्था में कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे को कोई भी ग्रहण की नकारात्मक शक्तियों का असर ना पहुंचे देखिए जैसे ही गर्भ अवस्था आप धारण कर लेते हो ना बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं बॉडी में वेट गेन होना शुरू हो जाता है कभी आप हैप्पी होते हो कभी बहुत सैड हो जाते हो एकदम से आलस आ जाता है या एकदम से आप में बहुत ज़्यादा एक्टिवपन आ जाता है ये डिपेंड करता है आपके हारमोन्स चेंज होने पर क्योंकि गर्भ अवस्था में ना बहुत सारे हारमोन्स बदलते रहते हैं उतार चढ़ाव आता रहता है जिस करके बॉडी में आपने बहुत सारी चीजें चेंजिंग देखे होंगे देखिए वेट गेन तो सबका होता है किसी का ज़्यादा किसी का कम अब पहले बात करते हैं कि गर्भ अवस्था में ब्रेस्ट में क्या क्या बदलाव होते हैं देखिए स्तनों में बदलाव स्तनों में आपने देखा होगा जैसे ही फर्स्ट एम खत्म हो जाता है सेकंड स्टार्ट हो जाता है ना तो स्तनों के आकार में आपने देखा होगा बढ़ोतरी हो रही होगी धीरे धीरे से वो टाइट होना शुरू हो गए होंगे उसमें कसाव महसूस हो रहा होगा और जो निपल्स होते हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं भारीपन महसूस होने लग जाता है आखिर ये क्यों होता है क्या ये लड़के की निशानी है देखिए गर्भ अवस्था में ना ये बदलाव होना नॉर्मल है क्योंकि बच्चे के लिए धीरे धीरे उसमें फीड बनना शुरू हो जाता है जिससे आपको ब्रेस्ट में कसाव सा फील होगा भारीपन लगेगा और उसके निप्पल्स आपको ब्लैक दिखना शुरू हो जाते हैं इससे लड़का लड़की हम नहीं जान सकते पहली बात तो आप ये क्लियर कर लिए अब बात करते हैं कि कसाव क्यों होता है देखिए जब धीरे धीरे उसके अंदर मिल्क बनेगा ना तो उसके अंदर आपको भारीपन बनेगा जिससे कि आपको कसाव फील होगा मांसपेशियों में खिंचाव आएगा जिससे कि आपको हल्का हल्का सा पेन बहुत हल्का सा पेन भारीपन के कारण हो सकता है तो वो चीजें नॉर्मल है ठीक है है ना ये प्रेगनेंसी में होता है। क्योंकि नौ महीने के बाद जब डिलीवरी होगी तो बेबी को फीड मिलेगा ठीक है अब जो ओल्ड वाइफ है काफी टाइम पहले की जो महिलाएं थी ना उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे एक दूसरे के सिम्टम को देख के बॉडी के बदलाव को देखकर आइडिया लगाते थे दादियां नानियां की अगर ऐसा होता है तो लड़का है अगर ऐसा है तो लड़की है तो ये बोला जाता है कि अगर आपका लेफ्ट वाला स्तन राइट वाले से बड़ा होता है तो उनको बेबी बॉय होता है अगर आपको कई बार मिल्क आ जाता है या जैसे पानी सा आ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान तब भी ये बेटे होने की निशानी होती है तो देखिए ये जब फीड आता मैं जब बहुत सारी महिलाओं को टेंशन हो जाती कि फीड आ रहा है पानी आ रहा है कोई घबराने वाली बात तो नहीं है कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है तो इससे कोई भी घबराहट कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है ये देखिए कई बार ना फीड आता है तो आप समझ लीजिए आपके बच्चे के लिए फ़ीड तो तैयार है जैसे ही डिलीवरी होगी आपके बेबी को फीड मिल जाएगा तो अगर गर्भावस्था में आपको ऐसा कुछ कभी देखने को मिलता है कि आपके बेड से मिल्क आ रहा है तो वो नॉर्मल है बहुत सारी ओल्ड वाइफ कहती हैं कि ये सिम्टम लड़का होने के होते हैं बट मैंने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो डाली थी तो मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था महिलाओं ने कि हमें बेबी गर्ल के टाइम पर भी फीड आया बट मुझको बेबी गर्ल हुई तो इससे क्या जाहिर होता है कि सबकी बॉडी गाइज अलग होती है सबके सिम्टम अलग होते हैं मेरे केस में ऐसा नहीं था बट बहुत सारी महिलाओं के केस में देखा है कि जिनको ब्रेस्ट से मिल्क आए उनको बेबी बॉय हुआ है तो अब जो उनके साथ हुआ है वही मेरे साथ वो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है इसीलिए मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पर ना बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं कि अगर ऐसा है तो बेबी बॉय होगा अगर ऐसा है तो बेबी गर्ल होगा तो ये हंड्रेड परसेंट श्योर कोई भी नहीं होता कि लड़का होगा या लड़की वो डिपेंड करता है आपके हारमोन पे क्योंकि सबकी बॉडी अलग है सबके सिम्टम अलग है किसी के भी आप प्रेगनेंसी की स्टोरी सुनोगे ना वो आपको अलग ही स्टोरी सुनाएगा क्योंकि वो अपनी बॉडी के सुनाएगा ना कि मेरे टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या मेरे साथ हुआ था है ना? वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वो अपने ही सिम्टम बताएगा तो मैं भी आपसे अपनी वीडियोस में ना अपने सिम्टम बताती हूँ लड़का लड़की में भेदभाव करना नहीं सिखाती हूँ ना ही मेरा चैनल इस चीज़ को बढ़ावा देता है ठीक है ना तो किसी भी गलत धारणा से वीडियो को मत लीजिएगा आपको हर एक डाउट को मैं न क्लियर करती हूँ ताकि मन में आपके कोई भी क्वेश्चन ना रहे गर्भावस्था में स्ट्रेस लेना टेंशन लेना इससे ब्लड कम हो जाता है और बच्चा भी ना टेंशन में रहता है इसीलिए गर्भावस्था में जितना खुश रहोगे ब्लड भी आपका उतने अच्छे से बनेगा और बच्चा भी हैप्पी रहेगा डिलीवरी होने के बाद नेक्स्ट बात करते हैं पैरों में दर्द एठन सूजन ये क्यों होता है क्या ये लड़का होने की निशानी है तो मैं ये आपको क्लियर कर दूँ देखिए प्रेगनेंसी में ना पैरों में दर्द एठन नस चढ़ना ये भी नॉर्मल है जब मेरे बड़े बेटे के टाइम पे पैरों में नस चढ़ती थी ना मुझे भी बहुत टेंशन हो जाती थी कि मेरी कभी नस चढ़ी नहीं ऐसा क्यों हो रहा है क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है तो डॉक्टर ने मुझे बोला ये सिर्फ हारमोन्स चेंज होते हैं ना बॉडी में इस करके हो रहा है आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम अपने आप अप सॉर्ट आउट हो जाएगी और ये उनकी बात डॉक्टर की बिल्कुल ठीक थी कि मेरी ये प्रॉब्लम अपने आप अप खत्म हो गई कोई भी नस झंझनहट नहीं होती थी गर्भावस्था में मेरे साथ पैरों में दर्द ऐठन झंझनाहट बहुत ही बहुत फेस किया है मैंने ये अब ये दर्द होता क्यों है देखिए बॉडी में जैसे वेट गेन होता है ना उसका भार हमारे पैरों पे आता है जिस करके हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है काफी देर अवस्था में आप बैठे रह जाते हो या खड़े रह जाते हो जिससे ब्लड फ्लोइंग ना वो रुक जाता है यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है जिस करके पैरों में स्वेलिंग भी हो जाती है दर्द ऐठन हो जाती है जैसे किचन में काफी देर खड़े होकर आप रोटी बना रहे हो सब्जी बना रहे हो और वेट गेन बहुत हो गया जैसे आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है सातवा आठवां नवां महीना उस टाइम पर यह बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पैरों में दर्द ऐठन कमर में दर्द तो ये सिर्फ वेट गेन करके होता है जब डिलीवरी हो जाएगी अपने आप ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इसीलिए कोई भी टेंशन घबराने वाली बात नहीं होती है है। तो समझ गए ना अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो वो नॉर्मल है कोई भी टेंशन घबराने वाली बात नहीं होती अब बहुत सारी महिलाओं को पैरों में स्वेलिंग आ जाती है तो बोला जाता है जिनकी स्वेलिंग होती है उनको बेबी गर्ल होती है तो बहुत सारी केसेस में देखा भी है कि जिनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है जैसे शरीर फूल जाता है हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है उनको बेबी गर्ल होती है कई महिलाएं वैसे ही रहती हैं जैसे गर्भावस्था से पहले थी खाली पेट का ही भार होता है यानी कि पेट की शेप ही भार होती है बाकी और वेट गेन ज़्यादा नहीं होता उनको बेबी बॉय होता है तो मेरे केस में भी ये सटीकता था सिम्टम कि मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था खाली पेट का ही भार था बाकी मेरी बॉडी वैसी ही थी और मुझको बेबी बॉय हुआ बट ये देखिए कई बार ना महिलाओं को थायरॉयड हो जाता है शुगर हो जाता है जिससे ना पूरी बॉडी फूल जाती है वेट गेन हो जाता है तो डिपेंड करता है ये थायरॉयड की प्रॉब्लम करके भी कई बार नॉर्मल होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती आफ्टर डिलीवरी ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है वेट गेन धीरे 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 वो अपना देखिए अच्छी डाइट प्लान रखोगे ना तो वेट गेन जो बहुत ज़्यादा हो हो जाता जाता है है वो अपने आप ठीक एक्सरसाइज करिए अपना डाइट चार्ट अच्छे से फॉलो करिए पानी भरपूर मात्रा में पीजिए तो वैसे ही हो जाओगे जैसे पहले प्रेगनेंसी से थे ठीक है अब लड़का लड़की तो देखिए भगवान की देन है जो किस्मत में होगा वही आपको मिलेगा ये सिर्फ अपने जो सिम्टम शेयर कर रही हूँ इससे सुनकर सिर्फ मन के जो आपके बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है ना जानने की लड़का होगा लड़की उस क्रेविंग को भी आप शांत कर सकते हो गलत धारणा से मत देखेगा वीडियो ठीक है ना नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रासाउंड में जब एफ एच आर यानी कि बेबी की हार्ट रेट बताई जाती है देखिए रिपोर्ट मिलती है ना उसमें बेबी एफ एच आर लिखी होती है तो बहुत सारे अनुमान उससे लगाए जाते हैं एफ एच आर से कि अगर बेबी की एफ एच आर वन फोर्टी से कम है तो लड़का है वन फोर्टी से ज्यादा है तो लड़की है तो मैं ये क्लियर कर दू एच आर सिर्फ बेबी की हार्ट रेट को डेडिकेट करता है मेरे दोनों ही प्रेग्नेंसी में आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में वन से अबव ही गई है हार्ट रेट दोनों केस में दोनों ही प्रेगनेंसी में तीनों ही अल्ट्रासाउंड में और मुझको बेबी बॉय हुआ तो ये बताइए क्या ये बात सच है अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे चैनल पे वीडियो है प्लेसेंटा और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की आप देख सकते हो बहुत अच्छे उसके ऊपर व्यू भी हैं और बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को प्यार भी दिया है तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं जिसके साथ ही देखिए यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं एफ पे 140 से कम में तो लड़का ऐसा नहीं है मेरे दोनों ही केस में 140 से अबव 150, 160, 165 सिक्सटी एफ आई गई है और मुझको तो बेबी बॉय हुआ है देखिए जब जब ना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है तो उस टाइम पे बच्चा छोटा होता है तो एफ आई उस टाइम पे ज़्यादा ही आएगी जब धीरे 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 बच्चा बड़ा होगा ना एफ अपने आप कम होती जाएगी तो ये बच्चे पे कई पर कई बार बच्चा सो रहा होता है अल्ट्रासाउंड होता है ना पेट के अंदर हमें क्या पता बच्चा सो रहा है या जाग रहा है तो एफ कम आती है जब बच्चा जागता है एक्टिविटी करता है यानी कि जब बच्चा गोल घूमता है जैसे कि आपने देखा हो ना बच्चा किक मार रहा है पेट में उस टाइम में बच्चे की एफ ज़्यादा आती है या कई बार कम आती है तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है तो इसलिए एफ से भी हम नहीं जान सकते लड़का है या लड़की और ये हमें जानना भी नहीं चाहिए सिर्फ ये सस्पेंस रहने दो तो जो कि आपको नौ महीने के बाद पता लगेगा जैसे ही बच्चा हाथ में आता है ना माँ तो सारे दुख भूल जाती है कि मेरा इतने पेन से लड़का हुआ या लड़की सिर्फ बच्चे से प्यार करे उसे एचु एजुकेशन दे और बहुत सारा प्यार दे ताकि कोई भी कमी ना हो उसकी अच्छी एजुकेशन में ठीक है तो अच्छे से समझ गए ना कि एफ एच आर से भी हम नहीं जान सकते लड़का है या लड़की एफ एच आर सिर्फ बेबी की हार्ट रेट को बताता है जो ये बातें कहते हैं नफ एच आर से लड़का लड़की जान सकते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है ठीक है ना और जो देखिए बहुत सारे पैरों में दर्द ब्रेस्ट में बदलाव ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है ये सभी के साथ होता है लड़का हो या लड़की हो तो वीडियो को इंज्वरी लीजिएगा गलत धारणा से मत देखिएगा चैनल बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि इस महीने पढ़ने वाले हैं दो ग्रैंड उसकी अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा साथ में बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी ग्रहण पड़ेगा ना मैं आपको अपडेट दे दूंगी ताकि आप सारी सावधानियां रख सकें तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में तब तक लिए टेक केयर बाय